सोलो क्या करना है। हेलो मैं इतने सारे माइक्स देख के ही डर जाती हूँ। क्वेश्चंस एक मतलब सबने सोच के रखे कि एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछना है ना। हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उस चीज़ को इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसका मतलब साफ है कि अप्रिशिएट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, लव किया जा रहा है, और ये तीनों चीज़ें सबको पसंद हैं और सबको भाती हैं। तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्टार प्लस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बानी जे प्रोडक्शंस, एसके टीवी एंड नॉट यू एंड हिम एक्चुअली एंड हिम बिकॉज इनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो यस आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कोऑर्डिनेशन इतना रहता है कि नेक्स्ट टाइम पार्टी में एक जैसे कपड़े डाल के आएंगे, इतना कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन, पहले ही परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन है। एंड दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि वो एक मिरर हमने किया था इफेक्ट बीच में, जो उन्होंने कहा कि सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। सो दैट्स व्हाट अहमद खान ही सेड। हां हां बिल्कुल, यार ये हुआ था, देख के आई हूं शो भी करके। हां मैं देख कर आई हूं। नहीं नहीं अनकंफर्टेबल मोमेंट्स नहीं होते हैं, बट कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि स्टेप्स वो आता है हमें, एंड देन सडनली जब हम करने जाते हैं तब नहीं आता है। तो ऑब्वियसली कभी मेरा पैर इनके ऊपर चला गया, इनका पैर मेरे ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मोमेंट आता है जहाँ पे लाइक क्या, लाइक यू नो, लाइक क्या हो रहा है यार, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, बट इट्स जस्ट द मोमेंट। आपको क्या लग रहा है, अनकंफर्टेबल कुछ नहीं है। इतनी गर्मी में हमने इतने पूरे कपड़े क्यों डाले हुए हैं, क्योंकि बहुत निशान लगे हुए हैं। मुश्किल हो रहा है, बट आई हैव टू गिव हिम फुल क्रेडिट कि इन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं कि डांस नहीं किया है, बट ऐसा कोई शो नहीं किया, ना मैंने किया, बट मैंने परफॉर्मेंसेस पहले काफ़ी किए हैं। अकेले परफॉर्मेंस करना और पार्टनर के साथ करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही मैंने कहा कि जहाँ तक अब तक मुझे लगता था कि आता है डांस, सडनली मुझे लगता है कि फिर से सीख रही हूँ। बट नहीं, आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट दैट ही इज़ डन अ फैब जॉब। ये बहुत केयर करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, डांट भी बहुत खाते हैं। हमारी दो फीमेल कोरियोग्राफर्स हैं, उनसे भी। तो ये सारा संगठन है, ये मिलीजुली सरकार नहीं, बट इसका आपने देखा कि इसका प्रोडक्ट और आउटकम कितना अच्छा होता है। सो संगठन से मतलब वही बात है, कोयले को घिसते रहो इतना घिसो कि उसके बाद ये पैट ही इज डन अ ग्रेट जॉब। ना देखिए, पहला एपिसोड है, कौन सबसे ज़्यादा टफेस्ट कॉम्पिटिटर है, इफ़ यू ऑनेस्टली आस्क मी, आई थिंक मधुरिमा एंड विशाल सरप्राइज्ड मी द मोस्ट। उनकी हिस्ट्री को जानते हुए आई थिंक दे वर द मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी। आपका मुझे नहीं, आई गो विद द सेम ओपिनियन बिकॉज दे परफॉर्म सो ब्यूटीफुली एंड सो वेल। मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। दो दोस्त होते हैं, दोस्तों में झगड़ा होता है, और झगड़े के बाद ठीक है कुछ टाइम बात नहीं करेंगे, इवेंचुअली तो फ़ोन करके बोलेंगे क्या यार चलना यार छोड़ना, बोलते ही है ना। तो जब वो चीज़ हम बाकी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम रिलेशनशिप्स में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों एक वो एक टैबू है, क्यों एक रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि एक्सेस दोस्त नहीं हो सकते। हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम 4 साल रिलेशनशिप में थे, 5 साल हो गया ब्रेकअप को, आज भी आपको लगता है कि हमारे बीच में कोई बैर है? नहीं है। मैं वही आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि इसी बात पे कि कुछ लोग जो साथ में हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, और कुछ लोग जिनकी शादी हुई है, मे बी क्या इक्वेशन है एट दिस पॉइंट जहाँ पर हम हैं, इक्वेशन ऐसी है शायद
somewhere we have dealt with all sorts of positions. Companion, lover, friend, 2M friend, 3M friend, always been there. फाइट्स भी हो चाहे कुछ भी हो लेकिन वही बात जैसे कि हमेशा नहीं आई डोंट थिंक सो किसी रिलेशनशिप को नाम अगर आप ना जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था नाम मत दीजिए किसी रिलेशनशिप को ठीक है ना हम एक्स एक्स भी बोलते हैं मत बोलिए क्योंकि हम एक साथ हैं इस वक्त तो बेटर है कि इस चीज़ को नाम ना दिया जाए एंड आई लव यू टू विशाल आई थिंक ये मैंटेलिटी है और ये मैंटेलिटी को आई थिंक अब ब्रेक कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे अब ज़माना बदल रहा है एक आई थिंक ये पहले भी नहीं था इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 70s 80s पीपल वर वेरी ब्रॉड माइंडेड थोड़ा सा एक दौर आया बीच में 90s के टाइम पे जहाँ पीपल स्टॉप बीइंग ब्रॉड माइंडेड आई थिंक ये स्टेटमेंट विशाल कह सकता है क्या कि लवर्स कांट बी फ्रेंड्स कीप क्वाइट उसे बोला है उसे सेट उसने बोला है फैमिलीज हैव बीन वेरी सपोर्टिव और जब हमारे बीच में कोई बैर नहीं है तो फैमिलीज के बीच में क्यों बैर होगा आई मीन टू से फैमिलीज उतनी अंडरस्टैंडिंग है कम से कम मुझे जहाँ तक मालूम है मेरी फैमिली तो जब तक जब से उन्होंने मतलब जब से मैं जो आप लोग सिंगल पेरेंटिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव वही रहे हैं तो आपको उसी से ब्रॉड माइंडेडनेस पता चलती है और अनुज की फैमिली भी काफ़ी ओपन है आप तो मैं मिल चुकी हूँ उनसे मेरी मैं मदर मिल चुकी हूँ इनकी मदर आई थी इनकी नीस आई थी हाँ तो मिल चुकी हूँ इनफैक्ट मज़े की बात ये है कि जब हम रिलेशनशिप में थे तब नहीं मिले अब मिले सो इट वॉज़ अ नाइस कॉर्डियल मीटिंग इनके फादर ने मुझे मैसेज किया विशिंग मी गुड लक तो मुझे नहीं पता था क्या मैसेज किया पीपल हैव इवॉल्व और वही मैसेज देना चाहते हैं हम कि आप थोड़ा इवॉल्व कर लो मैच्योरिटी के साथ आई थिंक वही चीजें हैं कि एक एक इक्वेशन एक टाइम पे ये होती थी कि लोग पेरेंट्स से ज्यादा इस तरह से फॉर्मल रहते थे कि बाप है मदर है बच्चे हैं बट अब वो ऐसा नहीं रहता अब उनको एज अ फ्रेंड एज अ दोस्त रहना पड़ता है ताकि वो और जान सकें अपने बच्चों के बारे में तो इक्वेशन लोगों की चेंज होती है एट द टाइम सो आई थिंक ये वही हाल हो गया जब पेरेंट्स बोलते हैं ना बच्चे झगड़ा नहीं करते झगड़ा नहीं करते अभी वो आई थिंक दे आर सपोर्टिव विद एवरीथिंग दे आर नॉट वी वुड जस्ट लाइक टू से हम हैं जैसे कि आज बोला गया उरुज तो ये है अनुज मैं हूँ उर्वशी और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड सपोर्ट एंड इसी तरह प्लीज़ हमें देखते रहिए हमें सपोर्ट करते रहिए अब तक मुझे तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया लेकिन अभी अनुज को और मुझे साथ में सपोर्ट करें थैंक मैंने तो पहली बार ऐसे बोला कि आप मुझे सपोर्ट करो मैं कभी शो में आए नहीं हैं तो हम हैं वरना नहीं है बात ये तो फैक्ट है दादा वो थैंक यू Yeah.